सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से नई स्प्लेंडर प्लस में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं आपको दिखा दूं ये कौन सा वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट है, और हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर इसकी जो एयर फिल्टर असेंबली है या फिर क्या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई हमारे हैं और ये इस बाइक को खोलने वाले हैं। भाई इसे एक बार खोल दो, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर इस बाइक में चीज़ें क्या क्या चेंज हुई हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि इसका जो एयर फिल्टर असेंबली है वो चेंज हुई है, जो कि इस तरफ है। अभी मैं आपको सीट खोलने के बाद इसका जो बाकी का नज़रिया है, जो चीज़ इसमें चेंज हुई है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अपने इस कैमरे के नज़रिए से। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने इस बैटरी वाले कंपार्टमेंट की तरफ। तो बैटरी वाला कंपार्टमेंट भी जो है खोला जा रहा है, और कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि इसमें जो बैटरी है वो 5 LB की लग रही है, जो कि पहले 3 LB की लग करके आती थी। और हाँ, बैटरी का जो कंपार्टमेंट सच में वो बड़ा हो चुका है। और अगर बैटरी का कंपार्टमेंट बड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एयर फिल्टर असेंबली जो है वो पूरी तरीके से चेंज होनी ही थी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो चेंज करने के बाद ही आप इसमें बैटरी को असेंबल कर पाओगे। अब हमारी जो सीट है वो खुल चुकी है, और सीट खोलने के बाद देखो तो ये एक फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी तक इसमें ECU हुआ करता था, जो कि यहाँ से आगे बढ़ करके आई थिंक यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर तो एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ है। इसका ECU कहाँ गया? एक रिले है यहाँ पर, ना 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 इसके नीचे नहीं है यार। इसका ECU गया कहाँ पर? ECU अभी भी नहीं दिख रहा है। ECU सच में गायब है इसमें, यहाँ पर जगह नहीं। यहाँ पर कभी कभी वो चार्जर रहता था इसका एक ठो, वो भी नहीं है। ECU नहीं है क्या इसमें? है टंकी के नीचे है क्या? देखो ECU यहाँ पर हुआ करता था, जो कि आप ये फ्लैट देख रहे हो ना, ये फ्लैट के ECU वाले हिस्से पर ये पूरी तरीके से ये हिस्सा चेंज हुआ है, जो अंडर का जो मडगार्ड होता है वो वाला। बाकी अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर भी ये छोटा सा सेंसर टाइप कुछ है जिसपे UP लिखा हुआ है, UP। और क्या चीज़ है कि इसमें ECU नहीं दिख रहा है अभी तक, ECU नहीं मिला ना, ना? ये भी ये, अरे बिना ECU थोड़ा चलेगा, FI बाइक है। एक मिनट, ECU सच में अभी तक नहीं दिखा मुझे इसका। भाई ये तो इसका बैटरी चार्ज करने के लिए एक वो डिवाइस लगा हुआ होता है, तो ये तो बैटरी का चार्जर कह सकते हैं। इसका नाम कुछ और कहते हैं इसे, मुझे अभी सही से पता नहीं इस बारे में, लेकिन ECU में ढूंढ रहा हूँ भाई। ECU इस बाइक में अभी तक नहीं मिला। ये तो पूरी वायरिंग है जो कि हम लोग देख सकते हैं। बाकी ECU सच में अगर ढूंढ के बताओ तो जाने हम, ECU ढूंढ के बताओ तो जाने अब हम ना इसमें गूगल पे कहाँ भी नई गाड़ी है, नहीं है ECU। अच्छा मीटर के आसपास भी इतनी जगह नहीं है, नहीं यहाँ पर भी जगह नहीं है ना भाई, इसमें ECU कहीं और लगाया गया है। ECU अभी तक नहीं मिला इसमें। सो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चेंज हुई। ECU यहीं पर हुआ करता था, जो कि अभी तक गायब है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर इतना कुछ इसमें तामझाम था ही नहीं, जो कि अभी फ़िलहाल इसमें आ चुका है। और सुनने में ये भी आया, सुनने में क्या दिखने में लग रहा है कि इस हिस्से को जो है चौड़ा किया गया है ताकि ये चेंज किया जा सके। और ये चेंज करने से और इसके एयर फिल्टर असेंबली को चेंज करने से हमारी जो बैटरी है वो बड़ी हो चुकी है। अब बैटरी तो फिलहाल अभी लग के नहीं आ रही है प्लांट से ही, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका जो एयर फिल्टर असेंबली है वो चेंज हो गई। इसका यानी इसका एयर फिल्टर भी शायद चेंज हुआ होगा। देखो ये मैकेनिकल चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल इसमें अगर देखें तो मीटर वाइज इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आए, वही जो एक्सटेक वाला वेरिएंट आता था जस्ट वही वाला वेरिएंट इसमें डाल दिया गया है। स्विचेस की जो क्वालिटी थी वो पूरी तरीके से चेंज होकर के बहुत अच्छी प्रीमियम स्विचेस आ चुकी हैं। मैं बोलता था कि जैसे बेकरी में बनी हुई हैं, जस्ट वही वाला जो इसमें स्विचेस की क्वालिटी डाल दी गई, चाहे इस तरफ का हो चाहे वो इस तरफ का हो। फ्यूल लीड यार अभी तक बचा हुआ है, मैं इसको कहता था कि भाई इसे चेंज करवा दो यार, अभी ये चेंज नहीं हुआ है, ये भी चेंज हो जाएगा। एक्सटेक यहाँ पर है, ऑन होगा नहीं, बैटरी लगी नहीं है। मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने का एक जो
USB वाला कनेक्टर होता है वो यहाँ पर है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो चेंज हुए हैं, और अगर देखें तो सामने से इसकी जो हेडलाइट है वो चेंज हुई है। तीन बल्ब यहाँ मिल जाएंगे, एक बल्ब, दो बल्ब, तीसरा बल्ब, तो तीन बल्ब के साथ इसकी हेडलाइट कंप्लीट होती है, और दो DRL आपको सामने की ओर देखने को मिल जाते हैं। टायर के सेगमेंट की बात करें तो टायर वही जो हमेशा आता था, MRF टायर वही डाल दिए गए हैं, इसमें कोई खास चेंजेस अभी फ़िलहाल नहीं हुए हैं, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो रियर का हो। इंजन वाइज भी बाइक में कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं, चेंज होना था भी नहीं। अगर जो अभी तक चेंज होना बाकी है वो सिर्फ ये है, अगर ये चेंज हो जाता है तो ये बाइक और ज़्यादा अपर सेगमेंट में जा सकती है। बाकी अगर ये चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर भी देखो तो ये काफ़ी चौड़ा हो चुका है पीछे वाला हिस्सा, तो ये भी चेंज है। आप इसको देख लो कितना चौड़ा है ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक स्प्लेंडर प्लस ही है और ये काफ़ी पतला है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखो इसका ये वाला फेस देखें हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से दिखा देता है, थोड़ा सा बॉक्सी शेप में। लेकिन अभी यहाँ पर देखें तो ये नॉर्मल से जैसे जैसे राउंड टाइप शेप हो वैसा ही इसमें डाल दिया गया। टेल लाइट यार उसकी अभी तक चेंज नहीं हुई है, टेल लाइट भी चेंज हुई है। हाँ तो टेल लाइट देखें तो ये पूरा बॉक्स शेप में था, एकदम पकड़ में आता था, लेकिन अभी इसका जो टेल लाइट है वो भी चेंज हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टेल लाइट ये हो गई चेंज, इंडिकेटर हो चुके हैं चेंज, साड़ी गार्ड तो जैसा आता था वही वाला है, चैन कवर जो है इसमें स्टील के साथ साथ प्लास्टिक का आता है, तो ये आप देख लो मिला इश्यू कहीं पर। तो यहाँ पर हमारे जो है कई सारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसमें इश्यू ढूंढ लिया जाए, जो कि काफ़ी मतलब 4 से 5 इंच का एक डिवाइस होता है, उसे इतना आसानी से ढूंढा भी नहीं जा सकता। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसके ढूंढा जा रहा है। नहीं मिला अभी तक भाई। ये सेंसर क्या है इसके बारे में भी नहीं पता। ये सेंसर क्या, वो वाला है जो गाड़ी गिरने पर इंजन बंद हो जाता है, वो ग्लैमर में आता था। हाँ वही जो पुराने वाले में नहीं है ये चीज़। तो ये चीज़ क्या है ये नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, बाकी रिले वले तो पुरानी वाली बातें हो गई, ये तो यहाँ पर रहती थी, सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट दोनों चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी देख लो भाई भयंकर चेकिंग हो रही है, हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे बैठे हुए हैं, और आप देख लो ये वाला कंपार्टमेंट जो मैं दिखा रहा था आपको सच में पूरा फुल साइज़ बड़ा हो चुका है, जो कि पहले आप थोड़ा छोटी बैटरी में लगती थी। बाकी किक वो ये रही, ये भी पहले जो है थोड़ा सा चौकोर टाइप आता था, थोड़ा सा राउंड शेप में डाल दिए, थोड़ा छोटा कर दिए हैं इसको। बाकी अब इसकी टंकी खोली जा रही है ताकि एक बार इसका जो है ECU देखा जा सके, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट से ये सारी चीज़ें ना तो दिखाई जाती हैं और ना ही बताई जाती हैं। तो इसका ECU जो है वो हमें यहाँ पर टैंक के नीचे मिला है, जहाँ पर ECU के मोटर का, जहाँ पर टैंक के नीचे मोटर का वायर लटक रहा है, जस्ट वहीं पर ये वाला पार्ट, ये वाला जो मैंने आपसे कहा था कि 4 से 5 इंच का होगा, तो यहाँ पर रहा। तो टोटल मिला करके देखा जाए तो बाइक को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई है। एक चीज़ है कि क्या बारिश से ये ख़राब होगा, पहले तो गद्दी से बचा लेते थे, बारिश में बच जाता था, धुलाई किए पानी नहीं पड़ता था, अब टंकी के नीचे है पानी पड़ेगा। खैर ख़राब नहीं होगा, किसी भी गाड़ी में नहीं होता, कारों में भी ऐसे ही होता है, खुला ऐसे पड़ा रहता है, तो ख़राब तो नहीं होगा, मतलब बस दिमाग का एक वो रहेगा, अरे यार वैसे लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन ये चीज़ क्या है इसके बारे में, हाँ सच में अभी भी नहीं पता। एक कपलर यहाँ दे दिया गया है, इस पर अप लिखा हुआ है, यानी ये ऊपर की साइड रहेगा ये हिस्सा। तो कहीं ना कहीं ये सेंसर तो है ये, अब ये क्या है वो आप लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सो ये रहा इस बाइक का ऑल ओवर जो है एकदम देख लेने वाला, मतलब कितने सारे लोग लग गए, मैं इस तरीके से अपनी वीडियोस को भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये देख सकते हैं कि ये वही है जो बड़ी बैटरी लगाई थी और वो लग गई है। फिलहाल ATZ 5 यहाँ पर लग रही है, पहले इसमें ATZ 4 लगा करती थी, जिनके पास भी पुरानी वाली है चाहे ये वाला वेरियंट हो चाहे नया एक्सटेक वेरियंट हो, किसी भी में उठा लो, लेकिन आपको ये ATZ 4 ही मिलेगा, जो कि अब ATZ 5 यहाँ पर लग करके आ रही है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।